Stop crying. People on the bus are gonna think you're crazy. And this is the first time that we are actually traveling light. मतलब सिर्फ दो हैंड कैरी लेके हम चल रहे हैं. Otherwise तो पूरे दो बड़े-बड़े बक्से लेके चल रहे होते थे. बस पाकिस्तान के नाल बड़ा प्यार है. थोड़ा दिल करदे पाकिस्तान आने लई. बहुत ज्यादा दिल करदा जी. कदों आ रहे हो करतारपुर तुसीं? जल्दी तो जल्दी, जिन्नी जल्दी, बाकी रब दी मर्जी है. रब कदों पैर पवांदा. असलम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. हम कल शाम को पहुंच गए थे स्कॉटलैंड और हमने अपने एयरबीएनबी में कर लिया था चेक इन. अभी हम बना रहे हैं अपनी बेगम के लिए कॉफ़ी. ये जो है ये होता है एक अदद मैनुअल ग्राइंडर. मैनुअल ग्राइंडर इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है इतने बड़े ग्राइंडर को कहाँ लेके फिरेंगे भाई. ये हमारा एरोप्रेस है. एरोप्रेस में कॉफ़ी बनाएंगे. बीन साथ हम लेके आए थे क्योंकि यार बाहर से ना, मतलब जितनी मर्जी फजूल खर्ची कर लेना, बाहर से कॉफ़ी लेते हुए ना जब आप इतने ज़्यादा पैसे देते ना तो ज़मीर नहीं मानता भाई. तो ये मैनुअल ग्राइंडर में जैसे चक्की में आटा पीसते हैं ना, वैसे कॉफ़ी ग्राइंडर में हम कॉफ़ी पीस रहे हैं. एंड प्रॉब्लम ये है कि ग्राइंड तो बड़ी अच्छी होती है लेकिन बंदा आधा हो जाता है करते करते. 5-7-8 मिनट लगते हैं करने में और कंटिन्यूसली. ये हाथ जब थक जाता है तो फिर मैं स्विच कर लेता हूँ इस हाथ पे. लेकिन रुकना नहीं है, रुकना नहीं है भाई. काफ़ी देर से लगा हूँ, काफ़ी देर से ग्राइंड कर रहा हूँ एंड अभी भी ये आप देख सकते हैं कि इतनी रहती है. अनिया की कॉफी किधर हो? द ट्विन बेडरूम. ओके. Oh my God, who the hari 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 hari? इतनी सी? हाँ, एक और फ्रेश है ना. मुझे लगा तुम्हें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी. That's okay. It's nice. Okay. I worked really hard for it. मैंने 10 मिनट ग्राइंड किया उसको. उसमें से 5 मिनट मैंने भी किया. 2 मिनट. जी नहीं. 2 मिनट. उसके बाद तुम डीवा बनने चली गई थी. बन गई ना. Yeah. आप आज मुझे प्रेजेंट दिला रहे हैं मेरा. जी जी. गाइस, हम अपनी बेगम को आज एक बड़ा ही ग्रैंड गिफ्ट देने वाले हैं. स्टे ट्यून देखते रहे. मतलब पहले से बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं. वैसे अच्छे लग रहे हैं यार. मतलब त्यार शेयर होके, मतलब सही है. मतलब लड़कों का तो बड़ा सिंपल होता है भाई, दाढ़ी बना लूं, सेट, तैयार. लड़कियों को ज़रा मेहनत चंद करनी पड़ती है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर एक्चुअली ट्रैवलिंग लाइट. मतलब सिर्फ दो हैंड कैरी लेके हम चल रहे हैं. अदरवाइज तो पूरे दो बड़े बड़े बक्से लेके चल रहे होते थे यार. मुश्किल हो जाता था. मेरा लंदन में भी हैंड कैरी लेके जाने का इरादा था. आपने मुझे बोला था कि आपको ढेर सारी शॉपिंग करनी है जो कि हैंड कैरी में आती. मेरी शॉपिंग को बदनाम नहीं करो, मैंने नहीं बोला. द अमाउंट ऑफ शॉपिंग. ना 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 गाइस, हम आज के दिन हम एक्सप्लोरिंग करने जा रहे हैं ग्लासगो की. ग्लासगो इज द सिटी वी आर स्टेइंग इन. टुडे आवर आइटिनरी बताऊं? बताओ. cuz आप तो कुछ करते नहीं हैं. एक्सक्यूज मी. सो आई हैव टू प्लान एवरीथिंग. हां, प्लानिंग में. प्लानिंग में गाइस, आइटिनरी प्लानिंग मेरे से नहीं होती. मैं इनको बोलता हूं कि आप करें, मैं पैसेंजर प्रिंसेस. पैसेंजर प्रिंसेस गाइस, लाइक नो होटल बुकिंग्स, नो प्लेन टिकट बुकिंग्स, नो ट्रेन, कहां कौन सी ट्रेन कहां लेनी है, कुछ भी नहीं. एवरीथिंग आपकी बहन करती है सिंगल हैंडेड. तो दैट्स अ गुड थिंग. लाइक व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मतलब हर किसी का अपना अपना डोमेन होता है. मतलब आपके भाई का डोमेन नहीं है, इनका डोमेन है. तो फिर हम ये ट्रांसफ़र ऑन कर देते हैं कि मतलब फ्लाइट्स, ट्रैवल और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनका डोमेन है. व्हाट? परफ्यूम. और मैं तो अपना भूल भी गया. आई फील. कहाँ है? तुमने डाला था? दो. गाइस, दिस इज माय फेवरेट परफ्यूम. ऐड पैकिंग टू द लिस्ट. पैकिंग भी सारी मैं करती हूं. यार बदनाम तो नहीं करो. गाइस, दिस इज माय फेवरेट परफ्यूम ऑफ ऑल टाइम्स. I don't think anything in the world smells better than this thing. Do you agree? Reapplication ke liye. Do you agree? Tumne sunscreen lagayi? Do you agree? Yes, tumne sunscreen lagayi? Nahi. Seriously laga rahi ho? Ye nahi liye? Okay. Naak kyun pakadi ho? Waise hi meri naak band rehti hai. Okay. It's nice. Are we done already? दाढ़ी में फंस जाती है यार. मैंने सोच रहा हूँ क्लीन शेव कर लूँ. नहीं, मैं तुम्हें लगा दिया करूँगी. तुमने मुझे देखा कब क्लीन शेव में? मैंने देखा है शादी से पहले. तुम कितनी दफा मुझे हार्ट अटैक देते थे करा के. गाइस, वोट फॉर क्लीन शेव. नो, वोट फॉर क्लीन शेव. डोंट वोट फॉर क्लीन शेव प्लीज. इफ यू लव मी, डोंट वोट फॉर क्लीन शेव. तब बुरा नहीं लगता है? अली, नहीं ना प्लीज. आई डोंट लुक दैट बैड. इट्स जस्ट एग्जैजरेशन. सो गैनीमेड.
Best in the world. W. Bag में डाल दें please. Okay. वैसे ब्रिटिश समर बड़े मजे का है, मतलब हल्की सी ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, ऊपर से आप धूप सेक रहे होते हैं, तो भाई साहब हम वाइब करेंगे ऐसे. Hi madam, please. What a beautiful day, यार. यार हमारा एयरबीएनबी भी बहुत क्यूट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे साथ कोई बस स्टेशन ट्रेन स्टेशन नहीं है, सो यहाँ से ऊबर या बोल्ट वगैरह करानी पड़ती है. ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है. और जो वॉक है वो तकरीबन घंटे की है, मतलब वी लव वॉकिंग, लेकिन घंटा भी नहीं चलना यार, एग्जॉस्ट थोड़ी होने. सो ऊबर लेके हम आ गए ब्राडफोर्ड में, सिटी सेंटर में. एंड यार हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें देख के ना आपको दिल खुश हो जाता है आपका. हमारी बेगम अपने बैग में ट्राईपॉड भी डाल के लाई है कि हर जगह पे, क्योंकि एस्थेटिक बैकग्राउंड है, हर जगह पे पिक्चर्स लेंगे. चेक करें यार बिल्डिंग्स ही देख के इतना यार मुझे अच्छा लग रहा है कि सारा ये व्यू देखें यार. मतलब इट फील्स लाइवली, इट फील्स हिस्टोरिकल, इट फील्स अमेजिंग. मतलब समटाइम्स आई रन आउट ऑफ वर्ड्स. आई लव ग्लासगो, इट्स सो प्रिटी. आई नो यार. यहाँ पे नौकरी ले लो ताकि हम यहाँ पे आ जाएं. नहीं, मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं तो अप्लाई हर जगह करूंगी. नाउ ग्लासगो इज इन वन ऑफ आवर लिस्ट, टॉप लिस्ट्स आल्सो. एडिनबरा हो सकता है हमें वो भी ज्यादा पसंद आ जाए. हम तो ट्रेन में जैसे ही ग्लासगो सेंटर पे उसके स्टेशन पे उतरे यार, तो हमारे दिमाग में ना मैनचेस्टर था कि हाँ, मतलब मैनचेस्टर इज लाइक बैलेंस. ग्लासगो भी भाई, ग्लासगो की बिना अपनी वाइब्स हैं और बड़ी नेक्स्ट लेवल किस्म की वाइब्स हैं. देखें यार कौन इतनी मेहनत करता है, अपने साथ इतना बड़ा ट्राइपॉड हाथ में लेके आया है. ओनली माय वाइफ, ओनली माय वाइफ. हाथ में नहीं बैग, फुल सेटअप ऑन है भाई. जाके ओके, मैं अपनी जरा जगह ले लूँ फोटो के लिए. सो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है. हाँ ओके, अब ओके. ग्लासगो सिटी सेंटर एक्सप्लोर करते 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 हम आ गए वहीं पे जहाँ से हम ट्रेन स्टेशन से जहाँ से निकले थे ना, सबसे पहले जहाँ हम रुके हम उसी के बाहर आ गए, क्योंकि है एक अदद एप्पल स्टोर. यहाँ पे आने की रीज़न ये है, अगर आपने अनिया की वीडियो देखी हुई तो आपको आइडिया होगा कि हमने ये डिसाइड किया था कि अनिया की बर्थडे जो है वो जनवरी में है. अनिया का जो मैकबुक है वो ठीक से चलता नहीं है. नया मैकबुक है, मैकबुक एयर 15 इंचेस M2, वो 4 दिन पहले लॉन्च हुआ. तो मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है. फिर मैंने बोला कि मेरे बर्थडे गिफ्ट को ना एक्नॉलेज कर लेना कि मैंने दिया था जनवरी में, भूलना जाना. कल हमने मैकबुक के लिए ना अपने कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की, अनिया के कार्ड से की, मेरे कार्ड से की, क्रेडिट कार्ड से की, डेबिट कार्ड से की, लेकिन भाई साहब सारे कार्ड हमारे डिक्लाइन हो गए. तो सारा कुछ हम चेकआउट करा के वो बॉय हमारा ना सारा पैक शैक में सारा कुछ करके रेडी करके बैठा हुआ था, केस भी ले लिया, सब कुछ ओके, लेकिन भाई पेमेंट ही डिक्लाइन हो गया. और एप्पल स्टोर जो है वो 7 बजे बंद हो जाता है, तो 7 भी बज गए थे, स्टोर ही बंद कर रहे थे. तो फिर हम ऐसे सपना समूह लेके बाहर आ गए. मैंने कहा चलें फिर किसी दिन हम ट्राई करते हैं. आज इत्तेफाक से हम निकले सामने एप्पल स्टोर, तो इसको हमने एज एन इशारा लिया. हमने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा इशारा है, ले लेते हैं, ज़रा ट्राई करते हैं. हम ज़रा बैंक कॉल किए कि आप ऑथराइज करें. यार वैसे आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना मुश्किल क्यों है, बट आई रियली होप कि पेमेंट गेट्स थ्रू. एप्पल स्टोर में आकर ना ऐसे अमीर वाली फीलिंग आती है, दिल करता सारा कुछ ले लो. 16 इंच वाला मैकबुक है ये है जो अनिया को हम लेकर दे रहे हैं. तो अभी जो करंट साइज है ना, करंट साइज है ये वाला साइज, और ये छोटू सा है. ये वाला मैकबुक है जो हम अभी लेने वाले हैं, दिस इज 15 इंच, एंड ऑनेस्टली काफ़ी बड़ा यार. शी इज एक्साइटेड. एक्चुअल डिफरेंस है, दिस इज द 13 इंच एंड दिस इज द न्यू 15 इंच. बड़ा ही यार नेक्स्ट लेवल लग रहा है देखने में. परफॉर्मेंस में तो वैसे ही बीस्ट है. अच्छा जी, ओ माय गॉड, व्हाट्स दैट गाइस. सो गाइस वी गॉट द मैकबुक एयर 15 इंचेस जो नया आया है, बट इनको चाहिए था गोल्डन कलर, क्योंकि मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, बट क्योंकि इनके लिए था. बट इनका जो प्रेजेंट है वो इनको हमने कितने महीने पहले दे दिए, 6 महीने पहले. एक्नॉलेज कर लेना बर्थडे के टाइम पे. मैंने लास्ट टाइम इनको दिया था आईपैड, जो किसी खाते में नहीं आया और ये भूल गई. मतलब सोचे बंदे ने इनको, मैं सिर्फ एक प्रेजेंट दिया था इनके लिए, भूली थी. ना 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 ना, यू रिमाइंडेड मी हनी. नो, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होती है कि मतलब आपके पास एक चीज आती है ना, तो विद टाइम इसकी कदर थोड़ी कम हो जाती है. तो वो कदर कम ना करना, इतना महंगा दोबारा नहीं दे सकूंगा जनवरी में. बट ऑनेस्टली इनका जो मैकबुक है वो रिटायर करने का टाइम आ गया था. फाइनली रिटायर हो गया यार. गाइस वैसे आप 4 साल निकाले इन्होंने. आप लोगों को पता, लाइक इफ यू वॉच माई ब्लॉग यू नो कि मैं ये कल खुद अपने लिए खरीदने गई थी, माई सेल्फ, बट यू नो. फिर मुझे याद आया मैंने वैसे भी लेके थे ना, क्योंकि इनके पास सब कुछ ऑलरेडी होता है यार, बंदा क्या दे. मेकअप का कुछ पता नहीं है, फोन नॉट वर्थ अपग्रेडिंग, क्या क्या बंदा आया, कौन सा अभी हमें वैसे पता. लेटेस्ट ही है. तो गाइस मैकबुक तो हमने ले लिया था, लेकिन मैकबुक के साथ साथ हमने एक और चीज़ ले ली, और लेकिन वो मैंने नहीं ली, वो पहले से क्लैरिफाई करते, तो मैंने नहीं ली, वो ली है आज अनिया ने, एंड दैट इज
गाइस हम लोग मैं और हया जो है ना हम लोग एक ही अमेज़ॉन शेयर करते हैं, तो मेरे जितने भी परचेजेस होते हैं वो हया को पता होते हैं और हया के जितने भी परचेजेस होते हैं ना वो मुझे पता होते हैं। तो हया ने ना कोई एप्पल वॉच की ड्यूप अमेज़ॉन पे सर्च की हुई थी और सेलर को ना पूछा हुआ था, इट वॉज अराउंड 40 pounds, और सेलर को पूछा हुआ था कि डज दिस वर्क विद फाइंड माई आईफोन बिकॉज दिस गाय कीप्स पिंगिंग हिज आईफोन। आप अगर एप्पल अगर आप एप्पल वॉच पे ना इस तरह से पिंग करें तो आपके फ़ोन लाइक इट्स टू फाइंड योर फोन इफ इट्स लॉस्ट समवेयर, तो वो करता रहता है। एंड देन शी उससे सेलर को मैसेज किया डज दिस वर्क विद दिस, तो उन्होंने जवाब दिया था इट माइट नॉट, तो आगे से उसने बोला था यू नो प्लीज़ टेल मी इफ इट विल वर्क और नॉट और इस तरह से। तो माई हार्ट रियली 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 वॉन्टेड टू गेट हर एन एप्पल वॉच, हालांकि उसकी भी बर्थडे भी गुजर गई थी एंड आई ऑलरेडी गेव हर अ प्रेजेंट बट I got it for her. So she finally has an Apple Watch and not a dupe. Video call करें अभी. Guys, हमने सोचा था कि ये surprise रखते हैं इसको. लेकिन ये video देख के लोग या तो उसको screen recording भेज देंगे या उसको पता लग जाएगा तो वो हमारा surprise भी ख़राब हो जाएगा. तो हमने बोला अपना surprise खुद ख़राब कर देते हैं, video call करके बता देते हैं. I think वो वैसे काम पे होगी. नहीं उठाएगी अभी. Let's try. It's 3:30 right now. I don't think she's... Okay. उठा दे. Hi bro. What are you doing? Fine. क्या कर रही हो? I'm going to the train station. I got you a present. What? Okay. No. Do you have any guesses? Yeah. No, I don't have any guesses. I don't even know you're gonna get me a present. Yeah, but do you want to take 2 guesses? 3 guesses? 3 guesses. No, जल्दी बताओ मेरा station आने में. नहीं पहले बताओ. दो guess लो. Espresso का कुछ sport watch. नहीं. No. Makeup. No. No. Wait. No. No. Okay, you're out now. Okay, our turn. दिखा दूँ ये बकरो ऐसे. Your eyes. Those. Open. Are you serious? तुमने क्या सर्च किया हुआ था अमेज़ॉन पे? Why? क्या पूछा हुआ था उनसे? Does this work? Amazon seller से does this work with find my iPhone? Bro, अब सुनो, अब हम साथ करेंगे ये फाइंड माय आईफोन। व्हाट डू यू मीन व्हाई? सो योर सिस्टर लव्स यू अ लिटिल टू मच। मैंने बोला अली उसको कोई उठा के भेज देगा फिर मेरा सरप्राइज खराब होगा, मैं खुद ही बता देते Okay, bye, bro. We're over here, Salve. Stop crying. I want the fun. Stop it. अच्छा अब तुम 50 pound की जो वो मंगवा रही थी ना Apple Watch उसकी जगह तुम replacement bands मंगवा लो. Do you want to see the color? Stop crying. Don't cry. Don't cry. मत खोलो अभी. I got a MacBook. Ellie got me a MacBook. birthday present advance. अच्छा मैं खोल नहीं रही, तुम खुद खोलना उसका वो satisfying वाला. हाँ, उसका experience खराब नहीं करो. हाँ, but it's starlight and it's like starlight goldenish band. color, like rose gold. No, not rose gold, just gold. Gold, okay, gold. Champagne. Okay, see you on Thursday. See. Stop crying. Bye-bye. People on the bus are gonna think you're crazy. Bye, bro. Bye. Cute. She's crying. तो अब जरा चश्मे भाई ने सोचा के ले लेते हैं. एक रेबैन का स्टोर था, अनिया को मैकबुक लेके दिया तो हम क्यों पीछे रहे भाई, तो हम यहाँ पे गुजर ही रहते तो अपना चश्मा ना मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने एक रेबैन ले लिया और फिर उन्होंने बोला कि जो दूसरा आप लेंगे ना तो वो हाफ प्राइस है. मैंने कहा दे दो ठीक है. तो एक तो क्लासिक ब्लैक वेफर्स जो होते हैं वो है ये, जो फिर आई थिंक मेरे मुंह के हिसाब से काफ़ी लाइक यो लग रहे हैं. एंड दूसरे आपके भाई ने थोड़े डिफरेंट लिए, थोड़ी सी बोल्ड मूव है, आपकी भाभी को बड़े अच्छे लगे तो उन्होंने हमें बोला कि ये वाले बेस्ट हैं, लाइक दिस इज लाइक अ 10/10. ये आप बताएं कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं. सो दीज आर द ब्राउन वंस, उनको ये सबसे अच्छे लगे, कहने के तुम्हारे मुँह के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हैं. तो बताएँ कॉमेंट्स में कैसे लगे. नहीं मैल आज के दिन क्योंकि बेगम को बहुत अच्छे लगे तो यही पहनेंगे. सिटी सेंटर में फ्री एंटरटेनमेंट भी है भाई. यह है ग्लासगो रॉयल कॉन्सर्ट हॉल और यहाँ पे हो रही है वो नॉन एंटरटेनमेंट यार बड़ा. She's really good at this. She read my soul like I know.
क्या पिच है, क्या पिच है भाई। उधर एंटरटेनमेंट कम थी कि यहाँ पे और एंटरटेनमेंट भाई। वो देखते हैं बड़ा एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट डिस्कवर किया था। इट वाज चेन्नई आई थिंक, हाउस ऑफ चेन्नई। बहुत अच्छा खाना था उसका, हलाल था। तो आज हमने सोचा कि यार भूख ज़्यादा लग रही है, एक्सप्लोर करने का दिल नहीं कर रहा रेस्टोरेंट्स, तो जो सामने हलाल ऑप्शन आए वो ले लेते हैं। तो अनिया ने मुझे बताया कि ये जॉली भी है, तो जॉली भी हलाल। लेट्स गो इन हैव सम फूड। हम क्या खा रहे हैं? जॉलीबी। अब मुझे लगा था मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं यहाँ पे, है ना? हाँ हाँ, सो फनी। अच्छा क्या लेना? I'll have the spaghetti. What do you want? Chicken? Burger? Yeah, I don't know. Anything meaty. The chicken is nice. इसके साथ जॉली भी। ड्रिंक्स हाथ में नहीं आ रही, मैं भी लेके आता हूँ, तुम शुरू करो। यानिया की spaghetti है? आप आएंगे जानो तो हम शुरू करेंगे। Really? I can have a fry. यार जब मैं कहता हूँ ना कि शहर को थोड़ा हसल बसल और नॉर्मल का बैलेंस होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई मीन। Well, if you look at this, this is hustle bustle, calmness at the same time. We हम आ गए हैं Starbucks. यहाँ से हमें लेना है croissant. अनिया को croissant चाहिए और एक कोई पार्क है, अब नाम मैं भूल गया बट टेढ़े मेढ़े नाम है पार्क से, है बड़ा सीन है, कड़ा एक खूबसूरत किस्म का पार्क है। सो बस croissant लेके हम जा रहे हैं उस पार्क। अच्छा पार्क का नाम क्या है? Pollock Country Park. टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं यार, सीखने में भी इतनी देर लग जाती है। अरे टैक्सी जो है वो आ गई है, कि बस में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो गेटिंग इन ऊबर। पहुंच गए हैं हम पोलक हाउस। पोलक हाउस है ना ये स्पेलिंग है भाई, पोलक हाउस, पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ट्री हाउस है, कंट्री पार्क है, उसमें एक हाउस है। ओहो यार ये बिल्डिंग कैसल नुमा बिल्डिंग, जाना कहा हमने? ये तो यहाँ पे एंड हो गया। नहीं नहीं पार्क तो बहुत बड़ा है, तो कोई हाउस है, मुझे इधर जाना है, इधर कैसे जाएं? क्या ये जो लेक टाइप है ये है का मैप? नहीं ये भी है सम वाटर। हम कहाँ जाएं? We are here. आई थिंक यहाँ पे कहीं चलते हैं। We're here. The Pollock House is here. And we walked. Yeah, essentially there should be a bridge or something over here. I feel के अच्छा नहीं, यहाँ से अगर हम इस वाली लेक पे जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ तो यही व्हाइट कार्ड वाटर कर जाएंगे। मैं तो यही बोल रही हूँ, सीधा ही चलो। हरियाली हरियाली यार, calmness, peace. I just want to stay here till we leave. हमने डिसाइड किया था कि हम कोई पार्क एक्सप्लोर करेंगे, हाँ बचा के आराम से दरख्त के नीचे बैठेंगे और जो भी फिलिंग विलिंग करेंगे आराम से बैठ के। गाइस दिस पार्क इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खुली जगह है, एंड ये फिर वॉकिंग इनटू द वुड्स, एंड दिस फील्स सो सूदिंग। ये वो वाली फीलिंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या आप कभी इस्लामाबाद गए हैं तो इस्लामाबाद में ना ट्रेल 5 सर्दियों में जैसी फीलिंग आती है ना, कोजी, और जब आप दरख्तों के बीच में जाते हैं ना तो ठंड बढ़ जाती है, वो वाली जो फीलिंग होती है ना वो यहाँ पे आ रही है, चारों तरफ दरख्त। ये देखें, फील सो ब्यूटीफुल। एप्पल वॉच पूछ रही है भाई, इट लुक्स लाइक यू आर वर्किंग आउट, आउटडोर वॉक। इनको कैसे बताऊँ कि हम ठीक ठाक इंक्लाइन, स्टीप इंक्लाइन पे वॉक करें? आई ऑनेस्टली स्टिल कांट गेट ओवर दिस। आप लोग भी हमारे साथ साथ देखें यार, इमेजिन टेकिंग अ वॉक ऑन दिस रोड ट्रेल with these trees, surrounded by these trees, the beautiful woman on your side. Guys, हम सोच के आए थे कि एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड पे हम जाएंगे, बैठ के आराम से हम स्नैक्स लाए थे, वो खाएंगे, लेटेंगे, लेकिन ये पॉन्ड है, ये पॉन्ड है भाई, ये हमारा पॉन्ड है, ये थोड़ा सा पॉन्ड जो है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, सो इसके लिए हम इतनी लंबी वॉक करके आए हैं। चलो हमारी कार्डियो हो गई, फाइंड अ प्लेस टू सिट। सामने ही है वो बेंच, ऑन द बेंच, फिर ऑन सिट ऑन द घास। उधर चलते हैं, फिर पिछली साइड पे चलते हैं, वहाँ पे खुली घास थी। हाँ फॉरेस्ट ही था, इधर अंदर इधर बैठ जाते हैं ना दरख्त के पास। यार पता नहीं मुझे ऐसे ना फियर है कि मैं घास में बैठूंगा कोई सांप वाँप आके काट लेगा, सो फिलहाल वी हैव डिसाइडेड टू सिट राइट ऑन दिस बेंच नेक्स्ट टू द पॉन्ड। और हम अपने साथ ना क्रोसों और कुकीज शुकीज लेके आए थे, वो आराम से खाते हैं, थोड़ी सी चिलिंग करते हैं, आराम से बैठते हैं। क्या यार व्यू, क्या फीलिंग आ रही है। यहाँ पे ठीक ठाक डक्स हैं जिनको हम खाना खिला रहे थे, यार वो डक्स यहाँ तक आ गए थे, खाना लेते रहते। गाइस आई थिंक हम ज़रा बड़े क्विक थे जजमेंट पास करने के लिए, विच आई डीपली रिग्रेट, कि द रियली नाइस। हमने आते साथ ही बोला कि यार बिल्कुल बेकार सा पौंड है, इतना खास नहीं। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद ना भाई साहब कोई पौना घंटा एक घंटा हो गया होगा बैठे बैठे, इतनी सूदिंग फीलिंग आ रही है ना, और इतना खूबसूरत लग रहा है ये पौंड यहाँ से,
और ये डक्स को देखते देखते पार्क में ना वॉक करते करते जा रहे थे एंड अनिया मुझे बोलते कि यार यहाँ पे एक औरत के पास ना कुत्ता है जैसे डॉग शी इज वॉकिंग रियली बिग डॉग दैट लुक्स रियली बिग इनसेनली बिग फॉर अ डॉग मैंने कहा है और देखा तो यार इट वाज अ पोनी इट वाज इट्स अ ब्यूटीफुल पोनी हर नेम इज हनी हाय हनी हाय लुक एट द लैशेस अनिया लुक एट द लैशेस ओह माय गॉड सो प्रीटी सो सॉफ्ट लाइक So groomed up. Yeah, she's just been brushed. She's not usually this clean. As यहाँ से हम ये दरख्त का व्यू चेक करें क्या व्यू है एंड हम वहाँ से रोड से आए ऑल द वे यार सो प्रिटी यार नेचर एक्सपीरियंस करने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आपको ना पता हो ना पता करना हो कि मुझे जाना कहाँ है और आपका वो जो जिसको कहते हैं ना कि द जर्नी नीड्स टू बी मोर ब्यूटिफुल देन द डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन की तो भाई पढ़ाई नहीं है टेंशन ही नहीं है डेस्टिनेशन की करनी बड़ा खूबसूरत है हम किसी बाण पे आए एक घोड़ा है जिसमें देखते साथ ही शोर करना स्टार्ट किया हनी वो पोनी था वो जो आपको नजर आया था हनी ये जुलू और पिकासो आई थिंक घोड़े हैं यहाँ पे फिलहाल हमारे सिर्फ एक ही घोड़ा है बड़ा नीडी घोड़ा लग रहा है हमें देखते साथ ही हम जैसे वो गेट से अंदर आए ना उसने वो टिपिकल घोड़े की आवाज़ में निकालना स्टार्ट कर दी सारी चीज़ें ना आज बड़ी एक्सीडेंटली हो रही हैं हम एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं वो घोड़े का वो बाइंड था वहाँ पे यहाँ से एक दरवाज़ा था लिखा था टी एंड कॉफ़ी यहाँ पे कोई है नहीं दिस इज़ लाइक एम्प्टी बट यू कैन जस्ट पुट इन वन पाउंड एंड मेक योर ओन टी एंड कॉफ़ी एंड ड्रिंक इट एंड लीव कूल यार ये देखें ये पिगी बैंक है ये पॉड्स हैं पे थ्रू पेपैल पेपैल यू कैन ईमेल लाइक सेंड इट ऑन दैट ईमेल आई लव इट यार लग रहा है जैसे आप जंगलों में नहीं रहते तो जंगलों में भी मॉडर्नाइजेशन के साथ आई रियली लाइक यू वांट टू सिट हियर फॉर अ व्हाइल या एक्सप्लोर द बॉन्ड इज यू हुई ब्यूटीफुल अली लुक एट द मस्कल्स आई नो राइट हेलो जाने दो उसको आ रहा है वापस प्यार करवाने वो गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय पहले हम वहां थे तो घोड़ा वहाँ था हम यहाँ आ गए तो ये घोड़ा यहाँ आ गया तुमने मुझे प्यार नहीं करने दिया यार तुमने मुझे प्यार नहीं करने दिया तुम प्यारे घोड़े हो अरे विवान के पास से ना एक औरत निकली और हम घोड़े को प्यार कर रहे थे कहते यू नो ही कैन बाय इट राइट ओके नो हमें नहीं पता था कि भाई काट रहेगा कहते नो डोंट फीड हिम एंड डोंट पेट हिम मतलब एट योर ओन रिस्क तो हमने बोला नहीं भाई घोड़ा बहुत बड़ा है बहुत प्यारा है लेकिन काट वाट ले तो मसला हो जाएगा जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता होगा हाउ यूके वेदर इज़ लाइक और अब हमें भी पता लग गया सो गाइस यहाँ पे ना हर दूसरे दिन एक्चुअली हर रोज़ भी ऑलमोस्ट बारिश होती रहती है मेरे ऊपर ना पानी टपका मैंने अनिया को पहले ही बोल दिया अनिया बारिश हो रही है फोरकास्ट देखिए फोरकास्ट क्लियर ये देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा कि रोड गीला है अनिया साहिबा मुझे कहती हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कोई बारिश वारिश नहीं है चिल लोके हम वॉक करें फिर मैंने इसको बताया मैंने कहा मेरे ठीक ठाक महंगा कैमरा है तुम्हारा नया हम अभी मैकबुक लेके आए आया कि एप्पल वॉच है और हमारे फोन है तो ये हमारा को ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा आई थिंक वी शुड गेट अ कैब भाई मैंने फोरकास्ट देखी और फोरकास्ट पे नहीं आ रहा था मैंने बोला यूके पे तो सही होती है फोरकास्ट हमारी तरह अनप्रिडिक्टेबल थोड़ी है लेकिन फिर मुझे टप 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 सर पे फील होना शुरू हो गया आई वाज लाइक अली लेट्स रन इट्स 7 मिनट्स अवे दो And it's gonna come here, so we can't even leave here. But आपसे रूटली इन लक कैब कराई और कैब बिल्कुल टाइम पे आ गई भाई बारिश से बच गए ये टाइम पे निकला है बारिश जो है वो बहुत तेज स्टार्ट हो गई है एंड पार्क में खोलना तो अच्छा किया वैसे यार नहीं खोला सोचा गाइस ये देखें अगर पार्क में खोलते ना ये हम बारिश में ऐसे भीगते ये अनबॉक्सिंग करके बैठे होते और जी डब्बा भी इसका गीला हो गया सो अनबॉक्सिंग द न्यू प्रेजेंट पहले इसको प्लास्टिक ऐसे ओह यार ये जो एप्पल स्टफ है ना इसको अनबॉक्स करने का एक अलग मजा है ये सैटिस्फाइंग अनबॉक्सिंग इट्स माइन कितना बड़ा है यार ऐसे देखो
बड़ा है यार, ठीक ठाक दिल आ रहा है थोड़ा सा. हेलो हेलो गाइस, जब आप कोई नई डिवाइस लेते हैं ना, नया फ़ोन लें, नया लैपटॉप लें, कुछ लें, तो एक वो एक्साइटमेंट होती है. इनका लैपटॉप 4 साल पुराना हो चुका है. और कौन सी बर्थडे पे दिया था? 2019 एस्प्रेसो. अभी तो थोड़ा सा टीपू सुल्तान में आगे चला गया ना, तो थोड़ा पीछे होता था आई थिंक, बिल्कुल जैंडर्स के ऑपोजिट. वहाँ पे हम बैठे हुए थे और वहीं पे मैंने मंगवाया था और वहीं पे इनको दिया था. दैट वाज हर फर्स्ट मैकबुक एवर एंड शी लव्ड इट. एंड नाउ दिस इज अ ग्रैंड अपग्रेड. A very powerful grand upgrade. Guys, MacBook set ho gaya. And सबसे पहले इन्होंने guess करें क्या किया? Netflix sign in किया. Wow. Play some music. गाना क्यों सुने हम? अपने मियाँ जी का vlog. Oh my god. Impression इतना गलत हो गया. We're entering into mini Pakistan, Bradford. अभी पहुँचे हैं. 0.8 miles रह गए. ये मंजी होती है. ये चारपाई भी तो बोलते हैं. चारपाई नहीं है, मंजी है. Who's that? खट्टे. खट्टे बहने हैं. खट्टे तभी हो ना. पक गए. बहुत अच्छे स्पीकर हैं. मेरे तो मैकबुक 13 इंच भी तुमसे बेहतर थे. मुझे लगा था बारिश रुक गई होगी. हम जा रहे थे बाहर खाना खाने, लेकिन भाई बारिश तो अभी भी फुल स्विंग. इन्होंने पहना हुआ था एक ड्रेस जो कि आई थिंक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और बारिश भी हो रही है, तो ड्रेस चेंज करके ये और टी शर्ट पहन लेते हैं, पजामा पहन लेते हैं और इस तरह ही बन जाते हैं बस. इनिशियली वैसे हमारा प्लान था यहाँ पे खाने का, ये है मेज एंड लेबनीज खाना है बेसिकली. बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है, हमने सोचा कि मौसम बड़ा अच्छा है, तो थोड़ी सी वॉक की जाए. क्या There's an Italian restaurant there. Poya. Let's check out. Poya. Also Tesco Express से टूथपेस्ट लेने से पहले वो बंद हो जाए. आई थिंक बाय द टाइम वी आर डन बाय विद डिनर बंद हो जाएगा. मेन्यू जरा यहाँ पे चेकआउट करें. प्रोशेप्टा नहीं समझ आ रही है कुछ? नहीं. ऑल द पास्तास हैज वाइन एंड स्टफ. नो आई हैव हैड इनफ पास्तास फॉर माय लाइफ नाउ. आई एम नॉट हैविंग मोर पास्तास. यू कैन नेवर हैव इनफ पास्ता. नो आई एम डन विद पास्तास. बहुत मजे का गाइस. वुड इट बी वियर्ड इफ आई टेल यू कि रोडों पे चलने का ही मजा आ रहा है? नो नो, वी डोंट वांट टू वेस्ट पेपर. ये मेरे बैग में डाल दो यार. अच्छा खासा सोचा था वॉक करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, मज़े मज़े में जाके बस मज़े मज़े का खाना खाते हैं. लेकिन इतनी इतनी बुरी नहीं है, थोड़ी बेयरेबल है. वी आर इन सेमी शेड. जस्ट बाय द वे, वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो बिट टू फार. हमें थोड़ा पास ही रहना है ताकि हमारे पास छाँव वहाँ हो. एंड देन बाय द टाइम वी आर डन, तब तक बारिश हो गई तो हम लोग एक्सप्लोर बाय फुट कर लेंगे. मे बी वी कैन हैव डिजर्ट समवेयर. गुड आइडिया, लेट्स गो. यू टर्न प्लीज. आ जाओ बैक टू मज़े मज़े. यार एक तो मुझे स्कॉटिश एक्सेंट की ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही. मतलब अभी जो सर्वर है ना, उससे मुझे बोला हाउ कैन आई हेल्प यू. मैंने कहा टेबल जो लाइक आवा क्या, मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है. मैंने दोबारा दो दफ़ा पूछ चुका हूँ. को बोला मैं तुम पूछो बेसिकली. बोलती वन आवा लेफ्ट क्लोज. यार ये तो बड़ा टाइम लगेगा भाई सीखने में. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. जिसको कम्फर्ट फूड बोलते हैं ना, वो होता है मिडल ईस्टर्न फूड, लेबनीज फूड, ईरानी, पर्शियन फूड या फिर पाकिस्तानी फूड. ये होते हैं कंफर्ट फूड. ठीक है ये. ओ हो यार क्या ये बटर वाले राइस. क्या ये अदाना कबाब. ओ हो सैलड. सेम बाकू. हमारे कबाब का जो बेंच मार्क है ना, वो होता है बाकू. हमने बाकू में जो कबाब्स खाए थे ना, रियली हमने बाकू में जो कबाब खाए थे, आई फील दे वर वन ऑफ द बेस्ट कबाब्स दैट आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ. हमारा वो ना बेंच मार्क होता है कि बाकू वाले कबाब. अगर उन्होंने बोल दिया है तो दे मस्ट बी बाकू लेवल. माई टर्न टू ट्राई शिबाब. मेन गेम इसकी होती है तो देखते हैं. दिस हिट मी राइट हियर इन माई हार्ट. लाइक लिटरली सेम वही अजरबैजान वाला टेस्ट. यार गाइस मज़े मज़े में बहुत मज़े मज़े का कबाब है शिबाब. हम सब शिबाब बोलते हैं. हाँ 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 ये देखेंगे ये. ओह क्या गेम्स हैं. अब थोड़े से लेते हैं चावल. एंड चावल ऐसे बाकी नहीं है. हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ है. बटर कम था, हमने इस पर बटर मंगा के बटर डलवा के. हाँ 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 ओह हाँ हाँ हाँ
ओह ये गेम्स मिक्स इट अप मैंने जो अपने उसके साथ चावल बनाए थे इसके साथ वो टर्किश कबाब्स के साथ क्या हो यार वो वाकई बॉम्ब थे बटर राइस चावल तो वो अम्मा भी इम्प्रेस हो गई थी मुझसे अम्मा ने दोबारा वो रेसिपी बनाई थी अम्मा ने तो बहुत मैंने रेसिपी अम्मा की चैनल पे बनाई थी देखो हुए वैसे बटर वाले बटर मेल्ट नहीं हुआ सही तो गुजारा हो जाएगा वैसे ही हो जाएंगे आइए आप ज्वाइन करें चलते चलते ना मैं टिम हॉर्टन्स आया तो टिम हॉर्टन्स में ये बस मतलब मुझे तो ये कॉफ़ी लेनी थी अनिया ने अपना वो रैपे श्रैपे जो होता है वो लेना था तो मैंने ना अपने सरदार भाई को भी देखा बड़ी ज़ोर से ना मेरे अंदर का लाहौरी जागा मैंने कहा पंजाबी बोलने का दिल करा मैंने अनिया को मैं कहा अनिया प्लीज़ अंग्रेज़ी बोल के थक गया हूँ पंजाबी बोलूँ कि मर्जी है तुम्हारी तो ये भाई हमें मिले एंड ये अमृतसर से हैं हम लाहौर से हैं एंड यार मिल के ऐसे लगा जैसे पता नहीं भाई हैं हम तो पंजाबी निकली तो मैं लास्ट टाइम मैं पंजाबी में बात करता था दादो से इस्लामाबाद जब से मूव हुए तो तब से तो पंजाबी उस तरह से बोली नहीं तो मुझे लगा फ्लुएंसी चली गई है सुखबीर सिंह भाई से हमने बात की तो हमारी अंदर से उर्दू तो निकली नहीं पंजाबी निकलती रही थोड़ा दिल कर दे पाकिस्तान आने लगे बहुत ज़्यादा दिल करता जी कदों आ रहे करतारपुर जल्दी तो जल्दी जिन्नी जल्दी बाकी रब की मर्जी रब के तो पैर पवाना दाना पानी तो उतो तक तो लिखा होगा हमारी बात हो रही थी कि यार इनके जो कुलचे होते हैं ना वो मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं रात को मैं कभी टिकटॉक इंस्टाग्राम से कभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो कि स्पेशल फिलिंग वाले ना कुलचे होते हैं तो वो मुझे बता रहे थे तो मेरे मुंह में पानी आ गया तो इनको लगा कि शायद मैं ब्रिटिश हूँ मैं कहा नहीं नहीं अभी नहीं हमें वीज़ा शीज़ा नहीं मिलता अभी तो मैंने कहा यार बड़ा दिल करता है मतलब इट्स जस्ट लिटरली अ बॉर्डर पार करें ना अब आयरनी देखें ये अमृतसर से है हम लाहौर से हैं लिटरली वाघा अतारी बॉर्डर जो है आप लिटरली सिर्फ क्रॉस करें एंड डिस्टेंस ख़त्म मतलब हम अपने मुल्कों से बाहर आए हैं तो लिटरली फील्स लाइक यू नो इट्स जस्ट द बॉर्डर वी वर द सेम पीपल जसबीर भाई तुसी लोगों को कुछ कहना चाहते हो कुछ नहीं भाजी बस पाकिस्तान पूरा तुहानू वेख रहे बस पाकिस्तान दे नाल बड़ा प्यार है एक्चुअली पिंड ते गुड्डी ढान दा बड़ा शौक है अच्छा हां पतंग भाजी दा ते पाकिस्तान दी पसंद बड़ी फिट हुंदी है इत्थे साडे उत्थे लोहड़ी बड़ी फिट हुंदी है अमृतसर दी अच्छा सब पाकिस्तान दी पसंद हुंदी है साडी लोहड़ी बड़ी वधिया अच्छा बस हमारी मुलाकात हुई है यार दूसरे मुल्क में मतलब मैं आप लोगों को कैफियत अपनी बता नहीं सकता फीलिंग जो एक वो आ रही है अगर अभी इनके साथ टिकट कटाऊं यूँ पहुंच जाऊं एक्सप्लोरिंग करें जाएंगे कभी ज़िंदगी में वीज़ा शीज़ा लगा तो इंडिया भी चक्कर लगाएंगे जसबीर भाई से वहाँ भी मुलाकात होगी वरना अगर आप करतारपुर आए तो आप ज़रूर मेरे से भी रब्ता कीजिएगा कोई ना जी जरूर ट्रेन बिकॉज अभी तक हमने यहाँ पे ट्रेन एक्सपीरियंस नहीं किया हमने सोचा कि हमने एडिनबरा जाना है अब ये थोड़ा सा चैलेंज है जल्दी उठने का लेकिन मैंने सोचा कि अगर जल्दी उठेंगे तो टाइम ज़्यादा मिलेगा अगर हम वही 11-12 बजे गए तो 2-3 घंटे में सारी दुकानें बंद हो जाएंगे सो फ़ायदा नहीं है तो इससे बेहतर ये कि टाइम पे उठते हैं चैलेंज है गारंटी नहीं है लेकिन कोशिश पूरी करेंगे हमारी ट्रेन में अभी कोई 35-40 मिनट्स हैं तो हमने सोचा कि इतना टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि हम जाके सो जाएँ जो 4 मिनट पहले निकल गई अगर ये साहब टाइम ना जाया यार वो मेरे ब्रो की कॉल आई थी तो मैं वो ज़रा थोड़ा बड़ा इन्वॉल्व था अपनी कॉन्वर्सेशन में तो खैर अभी मैंने सोचा कि यार टैक्सी ले लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच के बस फ़ौरन सो जाएं और सुबह हम टाइम पे उठें क्योंकि बस 7 बजे की बस के लिए हमें 5 बजे उठना पड़ेगा तो भाई साहब अभी निकलते हैं टैक्सी बुलाते हैं बैक टू आवर एयरबीएनबी एंड भाई हो गया सोने का टाइम क्योंकि हमें सुबह निकलना है एडिनबरा के लिए हमें निकलना है 7 बजे इसके लिए हमें तकरीबन 5:30-6 बजे तक उठना बहुत ज़रूरी है और अभी माशाल्लाह टाइम हो रहा है 12:30 होप कि हम उठ जाएँ आपसे मुलाकात होती है कल एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में तब तक अपने ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में अंटिल देन अल्लाह हाफिज़